ఏంటది? చెమట వస్తుంది. ఇండియా మ్యాప్ సెల్యూట్ చేయాలి. ఇండియా రా, అది సెల్యూట్ చేయి. అదే కలర్ ఉంది కదా, అది INDIA రాసు. కాలు పెట్టకూడదు, కాలు తీ. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो ये है सुबह का नाश्ता, जो कि है वीट उपमा एंड थोड़ा सा हाफ बॉइल्ड एग, जिस पर मैंने ब्लैक पेपर डाला है एंड टमाटो की चटनी. रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है. अगर चाहिए आपको रेसिपी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. एंड दिस इज़ द लंच. सो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी फ़िश की प्योरी एंड रायता अनारदाने का. सो चलिए अभी मिलते हैं आपसे रूबरू. वन गुड आफ्टरनून. तो मैंने आपको सुबह का ब्रेकफास्ट जो भी था सर्विंग वो दिखा दिया. बनाया था मैंने वो वीट उपमा जो होता है वो बनाया था. एंड रेसिपी मैंने शेयर नहीं की उस टाइम पे, वैसे ही लेट हो रहा था क्योंकि मैंने एक्सरसाइज एंड वो सारी चीज़ें फिनिश करी. एंड जैसे कि आपको मैं अपना लंच दिखा चुकी हूँ एक ग्लांस. तो आज मैंने बनाई है फिश करी एंड उसके साथ में एक कप चावल एंड दही विद पोमोग्रेनेट. तो क्योंकि पोमोग्रेनेट ऑलरेडी मैंने छील के रख दिया था, वो खोलने के बाद जल्दी से ख़त्म करना बेटर है. और उसके बाद दूसरे फ्रूट पे जा सकते हैं, वरना ख़राब हो जाते हैं फ्रूट एंड नॉट सजेस्टेबल एबल टू ईट आफ्टर कटिंग. अभी खा लेते हैं. एवरीवन गुड इवनिंग. तो शाम की जो है वॉकिंग कंप्लीट करके आए, क्योंकि सुबह कभी कभी नहीं हो पाता है तो शाम को भी कर सकते हो, मतलब एनी टाइम बिफोर डिनर, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ. यस न्यू विनर है. नहीं नहीं विनर नहीं, रोड पे है ना. ये बोला ये पहले ऊपर आ गए. ओके सो ये ही बिना रहे. एंड ये कुछ ड्रेसेस है जो आदित्य के लिए एंड अभिषेक के लिए, नाइट ड्रेसेस, स्लीप वाली ड्रेसेस मैंने मीशो से ली थी. सो रिसीव कर ली है. तो ऐसा नहीं है कि मीशो से हमेशा मैं प्रमोशन के लिए शॉपिंग करती हूँ, अपने घर की नीड्स के लिए भी मैं वहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ. किंदो ना द. तो पहले मेरे हस्बैंड ऊपर ही थे एंड बाद में वो भी नीचे आ गए. ओके हाँ. सो मच्छर आ जाएंगे क्योंकि लाइट सारी ऑफ करके रखी थी, ओनली एक्वेरियम जला कर. हाँ कौत चप्पल लॉपल उन्ना रहा बाबू. चलो बाल देखो के जुड़ रहे. ये मेरे जो न्यू ग्रेथ वाले हेयर हैं जो पहले थे वैसे ही आ चुके. तो ही एंड मछलियों से मिलो. हाय फिशेस, इन्हें बात कर लो. हाय फिशेस. सो ये हाय फिशेस बोल रहा है. मैं पार्क जाके आया हूँ. एक्चुअली मैंने तो वॉकिंग जो है पार्किंग में ही करी है, बाद में ये फोन बात करते करते पार्क में चले गए. हम लोग इनको ढूंढते ढूंढते पीछे चले गए. बाबा रे. अभी डिनर प्रिपरेशन कर रही हूँ. तो मैं बनाने वाली हूँ पालक रोटी, बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है जो मुझे गूंदना है एंड पालक को मैंने अच्छी तरह पानी में डुबो डुबो के धो के उसकी प्योरी बना ली है. तो आपको बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसी प्योरी से आपको ये आटा पूरा मिलाना. अन्नी हो दम्मा इस पेटे वक्त तीस करा अंकल ट्रे इसने आप ट्रे देगा नहीं मुद्दा चेत तो ముందు ముందు డాడీ ఫోన్ అయిపోతే నువ్వు డాడీ వెళ్ళి కానీ ట్రే తీసుకెళ్ళాలా లేకపోతే ఇది తీసుకెళ్ళాలా అడిగింది కానీ. సో యాక్చువల్లీ అండే రోజు ఖానే హే, ఇస్లీ అండే ఖతం హోగే.
दोस्तों, OCD तो मैंने बंद कर दिया। सो अंडे ख़त्म हो गए तो मैं इनको बोल रही थी आप और ये बच्चे जो तीसको जिस तेरे पोतन घुंटा है कदा अंडे मूड डब्बा लेवना लेकिन अक् ट्रे तेस्तारा डब्बा इच्छा एवरना ఉంటాడు అంటే ట్రే మొత్తమే కావాలి సో ఇన్లో కొయి కామ్ బతావ్ తో ఉస్మే భీ ఇత్నా యే సీదా జాకే లా నీ సక్తే తో యహాన్ పే ప్యూరీ బనా లియా అబ్ ఇస్కో మే మిలా లేతి హూ అండ్ ఉస్కే బాద్ ఇస్కే నార్మల్ జైసే ఆప్ రోటీ బనాతే హో వైసే బనా లేనా హై అండ్ ఘీ యా బటర్ యాడ్ నహీ కర్నా హై అగర్ బిల్కుల్ నహీ ఖాయా జాతా హై తో రిఫైన్డ్ ఆయిల్ సే బెటర్ హై కి ఆప్ పూరే దిన్ మే 1.5 चम्मच तक घी तो खा सकते हो बिकॉज ऑयल फूड में तो आप सब्जी में तो डाल रहे हो। थोड़ा सा आप जस्ट ब्रश अप कर सकते हो अपने पराठे को या मतलब चपाती को। सो प्रोसेस बहुत सिंपल है एंड उसके साथ आज दोपहर को बनाई थी जैसे फिश करी तो फिशेस तो सारी ख़त्म हो गई उसमें, पूरी ज़्यादा नहीं डाली थी। तो मेरे हस्बैंड जो बाहर गए थे मैंने बोला था ना तो वहाँ पे फ्रेश फिशेस मिली थी तो वो लेके आए थे तो उसमें से 4-5 पीस ही मैंने बनाए थे, बाकी फ्रिज में रख दिए हैं। सो पार्शली मैं ऐसी जो है कुछ भी लेके आते हैं तो थोड़ा सा बनाती हूँ थोड़ा सा फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि कैसे भी अगर ज़्यादा बना देंगे तो बच जाएगा फिर दूसरे टाइम तो खाना ही पड़ेगा इसलिए मैंने रख दिया था। तो अभी जो बची हुई प्योरी है किसकी फिश करी की वो इस पालक के पराठे के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो लेट मी कंप्लीट दिस। पालक प्योरी के साथ ही मैंने इसको मिलाया तो पालक को पीसते टाइम ही मैंने उसमें पानी डाल के उसको करा था कि वैसे डायरेक्ट घूम नहीं रही थी उसमें मिक्सी तो थोड़ा पानी डालने के बाद पूरा अच्छी तरह प्योरी बन गया उससे मिलाया। एंड इन दिस डाइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंज्यूम मोर ऑफ ग्रीन्स। तो जितना ज़्यादा ग्रीन्स आप कंज्यूम कर सकते हो, ग्रीन्स आपको घास नहीं खानी है हम लोग को जाके, लेकिन घास जैसा ही कुछ खाना है। तो जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़्यादा खाने बिकॉज उसमें जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो सारी चीज़ तो मिलती है, साथ में बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। बिकॉज अगर आप भारी भारी फील कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी एक्टिव इन डूइंग योर वर्कआउट्स एंड अदर स्टफ। तो अभी मैं फटाफट से इसकी रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। तो क्योंकि इससे प्योरी से बनाया तो बीच में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि बीच में कुछ आड़े आ रहा है, एकदम स्मूथ जैसे अपना नॉर्मल रोटी का गोला होता है वैसा ही है ये। आप लोग के लिए टिप एक है कि अगर आपको दो रोटियां एक साथ सेकनी है तो जो ऑलरेडी सिक रही है उसके ऊपर ही आप डाल सकते हैं एंड इससे जो है दोनों जो है साइमल्टेनियसली पक जाएगी।
इज़ द डिनर, तो पालक की रोटी कुछ ऐसी, अगर इस पर तेल लगाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। एंड दिस इज़ द रायता जिसमें मैंने मिक्स किया है कैप्सिकम एंड टमाटो एंड क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर और नमक। एंड ये है दोपहर की फ़िश की प्योरी एंड दिस इज़ सैलेड, तो इसमें मैंने कैप्सिकम कट कर दिया है। सो अच्छा लग रहा है ना, तो रात के लिए इतना काफ़ी है एंड टेस्टी यमी भी है। सो पहले मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ ये एंड उसके बाद मैं खाऊंगी। बच्चों को फिश करी के साथ नहीं खाना है। आदित्य को फिश करी मैं खिला तो देती हूँ लेकिन उसको डर लगता है कि कहीं वो फिश का कांटा ना चुभ जाए, तो इज़ लाइक मेरे को ऑमलेट चाहिए। तो बच्चों को अगर सब्जी भी बना कर दो तो वो एक ही में लपेट लेता है, एक बाइट में ही लपेट लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेटर है वो, है ना। चलो सो अंडे तो मैंने दो फोड़ लिए, उसमें ओनली नमक डाला है। उसके ऊपर जो है रोटी डाल दी तो दोनों चिपक जाते हैं एंड उसके बाद आप सेक लो आगे पीछे और उनको रोल करके दे दो नीचे पकड़ने के लिए, टिश्यू पेपर लपेट देती हूँ। सो नज़दीक से दिखाती हूँ, पलटूंगी जब कैसे दिखेगा तब देखना आप। देखो इस तरह से तो उसमें चिपक गया, अभी आगे पीछे से सेक लो आप नॉर्मल जैसे सेकते हो एंड ये अभी निकलेगा नहीं एंड रोल करके दे सकते हो। तो इस पे आप ऑयल लगा सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी जो ऑमलेट के लिए डाला था नीचे ऑयल वो इस पे लग ही गया है, तो दैट इज़ एनफ, आपको और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या खुशबू आ रही है एंड दिस इज़ द वे कि आप बच्चों के पेट में भी ग्रीन वेजीज घुसाओ। देखो क्या बढ़िया तरीके से बन गए रोटी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर दूंगी, नहीं तो बोलेंगे मम्मी फूंक मारो फूंक मारो, उतना टाइम नहीं है आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो रात का रूटीन आप देख चुके हैं एंड अभी सुबह का जो अपना काम है वो भी मैंने चालू कर दिया, काम इन द सेंस अभी एक्सरसाइज भी एक रूटीन का भाग हो चुका है। सो मेरे रूटीन में जो जो एक्सरसाइजेस है मैं उनको जो है कर रही हूँ। और अभिषेक तो और आदित्य दोनों सो रहे थे, सो के उठ के इनकी पता नहीं क्या आदत है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं फिर वहाँ पे आके सो जाते हैं एंड अभिषेक तो सो के उठते ही पता नहीं उसको क्या हुआ, कभी हाथ झड़ रहा था कभी पैर झड़ रहा था। एंड जब छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो बीच में वो आके कभी ऊपर चढ़ जाते हैं कभी कुछ करते हैं। सो आज की वीडियो में वो कैप्चर भी हो गया। कई बार क्या होता है हम जैसे मैं कभी किचन में काम कर रही होती हूँ झुक के चावल निकाल रही होती हूँ तो पीछे आके दोनों एकदम पीठ पर चढ़ जाते हैं, तो कभी कभी तो वो कमर दर्द का भी कारण हो जाता है लेकिन कभी कभी जो है प्यार और बढ़ा देते हैं। सो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ एंड उसके बाद बीच में देखना अभिषेक क्या क्या करेगा। आदित्य उठ के जो है ब्रश करने के लिए चला गया है एंड आप अभिषेक की करामातें देखो। Thank you.
देखा ना आपने कि अभिषेक ने क्या क्या किया, वो सेटिस्फाई हो गया एंड उसके बाद चले गया वो भी ब्रश करने के लिए, तो उसका भाई जहाँ रहता है वो भी पीछे पीछे चल देता है। एंड लेट मी कंटिन्यू माय रिमेनिंग वर्कआउट एंड देन आई विल मीट यू। तो मैं अभी खाना बना रही हूँ और खाने में मैंने बनाए हैं 3 आइटम्स। एक तो तोरी फ्राई एंड तोरी के छिलके की चटनी बनाने वाली हूँ, सबको दिखाती हूँ। एंड दाल, लेट मी शो यू। तो ये रहे तोरी के छिलके जिसमें मैंने धनिया, जीरा, लाल मिर्च एंड क्या डाला, बस यही चीज़ें डाल के नमक डाल के इसको फ्राई कर लिया है। इसमें है दाल एंड मेरे रोबो कुक में पक चुकी है तोरी की सब्ज़ी, तो बहुत जल्दी बन गई है इसके थ्रू। यहाँ पे करी रेडी है, मैं इसको दूसरे बॉल में निकाल लूँगी। सो जस्ट मैं अभी अपना लंच लेके आई हूँ, बहुत भूख लग गई थी। एंड एक बार दिखा भी देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या इसमें ले रही हूँ, एक लुक ले लो। सो ये देखिए मेरे लंच में है पपाया का रायता एंड ये रही तोरी के छिलके की चटनी एंड दाल, टमाटो दाल और 2 पालक रोटी। तो मैंने आटा ज़्यादा मिलाया था ताकि 1-2 दिन तक मुझे सफिशिएंट हो जाए। सो दिस इज़ माय लंच। सो देख लिया ना आपने कि मैंने क्या क्या इसमें लिया है, बहुत भूख लग रही है। एंड मेरे से इंस्पायर होकर जो है मेरे हस्बैंड भी इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं and he is like yeah it is good and all। मैं भी फॉलो करूँगा करके, he also started। मैं भाई चलो अच्छा है, कंपनी मिल जाती है तो और थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। एंड डूइंग दिस डाइट आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड। मेरे को ऐसा लग रहा है पूरे दिन मैं किचन में ही रह रही हूँ, पूरे दिन खाना ही बना रही हूँ। खाना मतलब छोटी छोटी चीज़ें, मॉर्निंग का ख़त्म हो और फिर शेक भी हो, फिर ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर स्नैक काट के लाओ, स्नैक में मतलब कोई फ्रूट वूट खा लिया मॉर्निंग टाइम में, फिर लंच बनाओ तो बच्चों के लिए चावल तो रखना ही पड़ता है, जना भी खा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर उठो, फिर जो है इवनिंग स्नैक, फिर डिनर। तो मुझे लग रहा है ब्रेक ही नहीं मिल रहा है और मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मुझे क्या लगा, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जो डाइट है ना जिसमें आपको फिजिकली भी इतना थका देंगे, ऑल दो आप हेल्दी खा रहे हो और आप बार बार किचन में ये रेसिपीज बनाने के लिए बार बार इतना थक जाओगे कि यू ऑटोमेटिकली लूज वेट। ये जो चटनी है जो मैंने तोरी के छिलके से बनाई है, इट्स सो यम्मी, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय माई फूड। एक और चीज़, वैसे आई डोंट ईट इन बेडरूम, डाइनिंग टेबल भी हमेशा खाते हैं हम लोग, बट गर्मी इतनी लग रही थी तो मुझे लगा बेडरूम में आके खा लेते पालती मार के, क्योंकि बेडरूम जल्दी ठंडा हो जाता है, हॉल में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए आए क्या। एवरीवन गुड इवनिंग, अभी हो रही है शाम एंड ये आदित्य टीवी चलाता है, कब घर से गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, मतलब उसको पता नहीं क्या सोचता है, एकदम से नीचे चल जाता है। पहले इसको ऑफ करती हूँ, अभिषेक तो सो रहा है। तो मैं अभी तक थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी एंड वो सारी चीज़ें चल रही थी एंड घर को इन्होंने जो है पता नहीं क्या क्या कर दिया है। देखो ऐसे खंडर बना देते हैं ये लोग। सो मेरी जो पागल बनती है कि मैं ठीक करती रहती हूँ और मैं सोच रही थी नीचे वॉकिंग के लिए जाऊँ, सो मैं शाम को वॉकिंग कर रही हूँ कभी कभी जब मन के हिसाब से, कभी कभी मन करता है कभी कभी नहीं करता है,
तो शाम को वॉकिंग कर रही हूँ, कल भी मैंने शाम को करी थी एंड अभी भी मैं सोच रही हूँ ये थोड़ा ठीक ठाक करके नीचे जाके वॉक करके आ जाऊँ। एंड किसी ने मुझे बोला था कि लिपस्टिक पक्का लगाया करो, जब कुछ भी मेकअप नहीं किया है ऑलरेडी स्वेट में अभी भीगने वाले तो क्या लिपस्टिक लगाऊँ या क्या। लिप बाम तो मैं लगाती हूँ लेकिन वो इतना ज़्यादा कलर कभी कभी आता नहीं है, जल्दी छूट भी जाता है बिकॉज इट्स ट्रांसफरेबल ना। सो चलो बातें कम काम ज़्यादा है ना, बातें पसंद नहीं है ना आप लोग को, चलो काम ही करते हैं। हो चुका है एंड आदित्य देखो आ रहा है जा रहा है, फिर दोबारा वो नीचे जा चुका है। एंड अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा मिस कोई जब गंदा होता है तब ठीक कर देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, इसलिए करते रहना चाहिए। आप इसकी आदत डालेंगे ना कि थोड़ा सा गंदा हो आपने ठीक कर दिया, बेशक थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, मतलब मेरे को तो आदत पड़ चुकी है तो आई डू इट, बट समटाइम्स व्हेन इट इज़ टू मच तब गुस्सा भी आता है, डांट भी देती हूँ सब बच्चों को क्योंकि बार बार करी जाओ एंड बार बार बिगाड़ते जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। सो बच्चों को भी डिसिप्लिन में रखना है तो यू शुड यू नो गिव इंस्ट्रक्शंस टू देम ऑल्सो कि भैया ये ठीक करो वो वहाँ रखो, तो उससे उनको भी पता लगता है कि क्या चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, एक अंदाज़ा होता है। इसलिए जैसे मैं कभी बर्तन अरेंज करती हूँ डिशवॉशर से निकाल रही होती हूँ तो मैं आदित्य को अभिषेक को दोनों को बुलाती हूँ कि हेल्प करो मेरी, एंड वो लोग मुझे रोज़ देखते हैं कि मैं कहाँ कहाँ रखती हूँ। अभी थोड़ी उनकी आदत ऐसी हो गई है तो मैं कभी बोलती हूँ आदित्य को हेल्प करो तो उसका मूड करता है, तो उसको मालूम होता है कहाँ रखना है तो वो रख भी देता है, एंड जो कोई नई चीज़ उसको मिलती है फिर वो पूछता है मुझसे मम्मी ये कहाँ पे रखना है करके। सो दिस वे यू नो आप अपने बच्चों के लाइफ के लिए एक बहुत ही डिसिप्लिनरी एटमॉस्फेयर आप उन लोग के लिए बनाएंगे तो कल को उनके फ्यूचर में भी उनको भी काम आएगा। इस डिसिप्लिन से ऐसा नहीं कि घर की ही आप हमेशा अरेंजमेंट कर रहे हो, ओवरऑल आप अपनी लाइफ भी बहुत प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो। एंड मैंने कपड़े दोपहर को डाले थे एंड मुझे बीप की साउंड सुनाई नहीं दी क्योंकि एसी वेसी चल रहा था एंड मैं भूल गई, फिर मुझे अभी याद आया तो मैंने दोबारा एक बार स्पिन करने के लिए मतलब रिंस करने के लिए लगा दिया है। तो मैं अभी कपड़े भी सुखा के फिर वॉकिंग के लिए जाऊंगी। वर्कआउट नहीं वॉकिंग कर रही हूँ एंड शूज़ मेरे पास है लेकिन मुझे पहनने का दिल नहीं करता है, थोड़े दिन के बाद मैं पहनूँगी, मेरा जो है मेंटली आई एम नॉट फीलिंग टू वेयर इट, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है बस। सो जस्ट मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है एंड देखो कितना सारा पसीना अंदर बाहर, ये पसीने से पूरा गीला हो चुका है। सो खूब मेहनत लगा रही हूँ, 1% भी नहीं छोड़ रही हूँ मेरी तरफ से, तो आई होप इस बार जो मैं चाहती हूँ वो कंप्लीट हो जाए। सो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, आई होप अच्छा लगा होगा एंड मेरी तरह बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं एंड मेरे साथ भी कर रहे हैं, सो आई एम ग्लैड कि थोड़े बहुत तो मोटिवेट हो रहे हैं। वही पर्पस है वीडियो बना के पोस्ट करने का, अदरवाइज मैं खुद वर्कआउट करती खुद खाती पीती एंड कर देती, लेकिन किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा, वो मेरा मेन जो है मुद्दा था। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक अंगूठा चिपका दीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए, और भी लोगों को हम मोटिवेट करना चाहेंगे इसी तरह से मेरे थ्रू एंड आपके थ्रू भी, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, नहाने जाना है थोड़ी देर के बाद, इतने गीले में भी नहीं नहाना चाहिए।
सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।